हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रसार भारती की एक बैठक में ट्राई के साथ हुई, जो कि एक दिन पहले, मतलब कि आप समझ सकते हैं शनिवार के दिन हुई एक बैठक में प्रसार भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि डीडी फ्रिज पर कुछ चैनलों को अब हम लोग फिर से ऑन करेंगे। जैसे कि मैंने अपने लोगों पर बताया है कि इन इन चैनलों को फिर से स्टार्ट करा जाएगा, मतलब कि इन इन चैनलों को फिर से री स्टार्ट करने की बात जो है कही जा रही है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन से वो चैनल है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देख आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ट्राई जो 2019 में आया था जब डीडी फ्रिज के सारे चैनलों को बंद कर दिया गया था, और आज फिर से ट्राई ने जब फैसला किया तो फिर से चैनलों को जो है ऑन कर दिया गया। हालाँकि ये भी बताया नहीं गया है कि क्या सच में ट्राई ने यह फैसला किया था कि डीडी फ्रिज पर सारे चैनलों को फिर से ऑन कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हाल ही में फैसला अपने ब्रॉडकास्ट, मतलब कि चैनल का ब्रॉडकास्ट द्वारा लिया गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चैनल की डिमांड थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब कि आप पैड डीटीएच की बात करें तो वहाँ पर इन्हें कोई भी देखने वाला नहीं था, लेकिन बात करें डीडी फ्रिज में तो डीडी फ्रिज पर इसके व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं। मतलब कि समझ सकते हैं कि डीडी फ्रिज पर इस पर आप लोग को बहुत सारे व्यूवर्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि डीडी फ्रिज यूज़र इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन पैड डीटीएच में इनकी कोई भी जगह नहीं है। लोग इन्हें पसंद किया, इन्हें देखना भी नहीं चाहते। इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि इस वजह से डीडी फ्रिज से ये चैनल जो हैं बंद हो जाते हैं, मतलब कि डीडी फ्रिज से इन चैनलों को हटा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन चैनलों को फिर से रिस्टार्ट कर दिया गया है, मतलब आप सभी लोगों के लिए, और फिर से इसका लुक उठाने के लिए आप सभी लोगों को स्टार्ट कर दिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात में और आपको बताते हैं कि क्या जानकारी निकल कर आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ट्राई जो एक ब्रॉडकास्टिंग नियम का आधारित नियम होता है, मतलब कि जैसे कि ये समझ लीजिए, जैसे कि डीडी प्लस के अंतर्गत बहुत सारे चैनल आते हैं, उसी प्रकार ट्राई के अंतर्गत भी बहुत सारे ब्रॉडकास्टर भी आते हैं। मतलब ट्राई जो है एक बड़ा कोच टाइप का इंसान, मतलब समझ सकते हैं कि एक आदमी है और वो सबको गाइड करता है, मतलब उसको सबको समझाना होता है कि भाई ऐसा चैनल करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर उसी रविवार, सॉरी शनिवार के दिन उसने ये बैठक में साफ तौर पर कह दिया है कि डीडी प्रेस पर अब हम लोग और भी बड़े बड़े फैसले लेंगे। क्योंकि दोस्तों बात करें डीडी प्रेस की, तो इतनी से ज़्यादा व्यूवर्स आपको डीडी प्रेस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा भोजपुरी और यूपी के व्यूवर्स भी सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, और बिहार के, और जहाँ तक हिंदी भाषा जहाँ तक बोली जाती है वहाँ तक के व्यूवर्स इस पर बढ़े। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर।